उत्तराखंड में पलायन की वजह से गांव के गांव तेजी से खाली हो रहे हैं। पहाड़ों के घरों में लटकते ताले और गांव में दूर दूर तक फैला सन्नाटा ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से उत्तराखंड के गांव पलायन की समस्या के कारण पूरी तरह खाली हो गए हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में लगभग 1000 ऐसे गांवों का जिक्र किया है जो खाली हो गए हैं। ऐसे गांवों को पहाड़ में भूतिया गांव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तरकाशी के एक ऐसे गांव से रूबरू कराने जा रहा हूं जहां से 70% लोगों ने प्लान कर लिया है। और मेरे आसपास आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे और पिछले साल के मुकाबले इन खेतों में काफ़ी कम फसल हुई है, क्योंकि इन खेतों में कोई देख रेख करने वाला है नहीं। सबने गांव से प्लान कर रखा है, 70% लोगों ने गांव से प्लान कर रखा है, जिस वजह से जो जंगली सुअर होते हैं, बंदर होते हैं, वो खेतों में आते हैं, पूरी फसल सफाचट करते हैं। बाकी कुछ लोग यहां पे आ रखे हैं और इस साल के मुकाबले काफ़ी कम फसल हुई है, अभी उनसे हम बात करते हैं। और प्लान का ये कहीं ना कहीं ये मेन कारण होता है, मेन मुद्दा होता है कि खेतों में अच्छी फसल नहीं होती है। आधा जालो भाई नहीं गया, हम बोन लगे ना घ्यो होना ना नाज होना, एक बांदर जंगली भुना होना, बस कुछ नहीं होना, देख रेख करवा कोई नहीं, देख रेख करवा कोई नहीं, जगवाल कोई रख नहीं। अच्छा, तुम्हारे को सब बहर बसी गया? सब बहर बसी गया। अच्छा, तब तुम्हारे मतलब जहाँ तुम्हारे बोई हो रंदो त्यां तुम्हारे खेत डॉक्टर में होंदे नहीं? नहीं होंदो। अच्छा, चार पाता में बोल तो दुई पाता होंदा, दुई पाता होंदा। अच्छा, हाँ जी मौसी, गांव का तुम्हारा मतलब सब बहर बसी गया? सब नहीं बाबू, सब उंदा ना यहाँ घर फुड़ कोई नहीं रंदो। अच्छा, कोई नहीं रंदो? कोई नहीं रंदो बाबू, हम दो चार परिवार है फुड़ा घर फुड़ा। अच्छा, सब लोग जो छो प्लेन हुई सब कोई नहीं घर में। अच्छा, हमारो ये फुड़ा धान थे बोयू सर नाज नो झंगोर थे बोयू को थे बोयू सब बादर करी पल पटा। हाँ, भुना जड़ाई सब चीज अकाउंट लगे। अच्छा, देख रेख कन में कोई छै नहीं? जगवा रखू कहीं ना छै नहीं कोई गांव फोंडो। हां, सो प्लान हो गया, प्लान तो की वजह से हम भी मर गए जाकर। अच्छा, मतलब जे तुम्हारे बोई रंदो डोकर पड़ते हम हंदो भी नहीं? कुछ नहीं वड़ो, ये तो 100 किलो थे बोया, 8 पात थे बोया, हम दो ही पात अनाज भी नहीं डोकर का होनो कहां ना था। अच्छा, हम तो ये डोकर के पछाड़ था या। हां जी जी, तो जब तो हम भी मारे सब लोग वहां तक घर तक कोई काठ बिटका जगवा कोई काठ बिटका। हां, हम अकेले या गांव कोनो दो चार परिवार तक कान हो। बाकी ये गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस गांव की कुलदेवी माता राज राजेश्वरी जी का मंदिर है, अभी हम उस साइड जा रहे हैं। और दोस्तों, देख सकते हैं आप सामने ये घर, ये घर भी पलायन की मार झेल रहा है। घर दिखने में काफ़ी ज़्यादा आलीशान है और दुख की बात ये है कि इस घर में रहने वाला कोई नहीं है और यहाँ से भी पलायन हो चुका है इस घर से। बाकी आप देख सकते हैं ये है नीचे गांव पूरा, आधा गांव ये है और यहाँ पे है माता राज राजेश्वरी देवी जी का मंदिर जो कि इस गांव की कुलदेवी भी है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी हम जा रहे हैं गांव से थोड़ा दूर दुकान की तरफ और साथ में है विकास छोटा भाई, क्योंकि आजकल चल रही है नवरात्र मौसी के घर में और आज 8वां दिन है, कल 9वां दिन, कल मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो कल ऐसा है कि मतलब जितने भी गांव वाले हैं सबको बुलाना है हमने खाने पे, तो सब लोग आएंगे, तो इसलिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ मतलब कितनी दुकानें हैं इस गाँव में। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं और प्लान की वजह से ये दुकानें भी बंद हो चुकी है। करीबन यहाँ पे 7-8 दुकानें थी पहले, लेकिन जिस हिसाब से इस गांव में बहुत तेज़ी से प्लान हुआ उस हिसाब से सिर्फ यहाँ पे 2 ही दुकानें हैं, एक दुकान तो यहाँ पे, बाकी एक दुकान यहाँ पे। और इस गांव में एक ही दुकान है यहाँ पे, देख सकते हैं हम, भाई ये भाई जी की दुकान है
और इस गांव की मतलब मेन दुकान यही है, बाकी एक ही दुकान है इस गांव में। पलायन की वजह से सब पलायन कर चुके हैं, तो जिस वजह से यहाँ पे दुकानें सब बंद हो चुकी है। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये है यहाँ इस गांव का स्कूल और ये इंटर तक ये स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल है और करीबन यहाँ 40-50 साल पहले यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे और आज की डेट में बहुत कम है क्योंकि गांव से काफ़ी ज़्यादा प्लान हो चुके हैं। पीछे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर भी है और उन्होंने भी प्लान कर चुके हैं, सब खंडर हो चुका है। बाकी स्कूल भी देख सकते हैं पीछे खंडर हो चुका है और आज की डेट में यहाँ बहुत ही कम बच्चे, गाँव पूरा खाली हो चुका है, बहुत ही कम लोग हैं। नीचे यहाँ पे एक ग्राउंड भी है और वहाँ पे भी एक स्कूल खंडर हो चुका है पूरा। मतलब बोले तो इस गांव से 70% लोगों ने प्लान कर चुका है और ये गांव उत्तरकाशी का सबसे लास्ट गांव है। और अभी हम जा रहे हैं गांव की तरफ क्योंकि मौसी का घर सबसे ऊपर है गांव में, तो अभी हम गांव की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कल लास्ट डे है हरियाली का। तो साथ में है छोटे भाई आकाश पवार। हेलो। और अभी हम क्या करेंगे गांव में, मतलब जितने भी यहाँ परिवार है जो लोग मतलब गांव में है अभी, क्योंकि कल नवरात्रि का लास्ट डे है, तो अभी हम जाएंगे सारे गांव में, कवर करेंगे सारा गांव को। तो अभी क्या हुआ, अभी हम ऊपर से आ रहे थे, वहाँ से रास्ता नहीं था, मतलब ऐसे ही आ गए वहाँ से, और वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, पता ही नहीं चला कि रास्ता कहाँ से है। तो मैं नीचे गिर गया वहाँ पर और बहुत ज़्यादा कनाली लग रखी है मेरे हाथ में, मैं कनाली लगी अभी, आकाश भाई को तो नहीं लगी क्योंकि ये पीछे थे और मैं आगे था अभी। और अभी हम नीचे मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं। सच में दोस्तों मतलब पलायन के वजह से ना जो यहाँ खेत खूत हैं इनमें जम रखी है घास और कंडाली भी जम रखी है घास के बीच, वो पता ही नहीं चल रहा कि कंडाली कौन सी और घास कौन सी, वो बहुत ज़्यादा कंडाली लग गई हाथ में। ओपन हरियाली है ना, तो खाना है मौज कंडाली। और विकास भाई जा रहे हैं आगे, ये ड्यूटी करेंगे हमारे विकास भाई। घर में तो कोई नहीं लग रहा है यार कहीं। ये बेटी जी नमस्ते, बोल मत खान खान आ ये बलदेव हो गया कुछ। हम गांव के एकदम बीचों बीच में, तो गांव में भी काफी ज्यादा प्लान हो रखा है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और अभी हम मतलब आधा गांव में तो हमने बोल दिया है कि कल खाना खाने आ जाना, और अभी हम इस साइड बोलेंगे, इस साइड जा रहे हैं हम। बाकी वहाँ पे मंदिर भी है माता राज राजेश्वरी का, जो कि इस गांव की कुलदेवी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस गांव की जो कुलदेवी है माता राज राजेश्वरी जी का मंदिर है और काफ़ी अच्छी जगह पे बसा हुआ है ये मंदिर, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं अगल बगल का व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है। बाकी दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गढ़वाल।